नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांगड़ा में 3 शक्तिपीठों, मंदिरों और नवरात्रों को लेकर सुरक्षा के प्रति पुलिस ने कसी कमर, 500 पुलिसकर्मी और होमगार्ड होंगे तैनात। ग्राम पंचायत दूसरा खाबू में मनरेगा के अंतर्गत 13 लोगों की दोहरी हाजिरी का मामला आया सामने, वीडियो सदन ने भी स्वीकारा, 13 लोगों की हाजिरी में हुई है गड़बड़ी। एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन ने विचाराधीन मांगों को लेकर शहर में जिला स्तरीय रैली का किया आयोजन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और प्राथमिक शिक्षक संघ ने लगाया प्रशिक्षण शिविर, महिला शिक्षकों को किया जागरूक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं गुरिल्ला संगठन की। एसएसबी प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन ने विचाराधीन मांगों को लेकर शहर में जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया और डीसी ऑफिस के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार पिछले 5 सालों से उनकी अनदेखी कर रही है, न तो उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है और न ही केंद्र सरकार उनके प्रति कोई ध्यान दे रही है। गुरिल्ला संगठन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को समय रहते नहीं माना गया तो वे अब शांतिपूर्वक तरीके से रैली नहीं निकालेंगे बल्कि प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार खुद केंद्र सरकार होगी और साथ में राज्य सरकार को भी उन्होंने चेतावनी दी। सरकार एसएसबी वॉलंटियरों को जैसे कोर्ट के आदेश हैं कि मणिपुर के तर्ज पे जो है तो हिमाचल के वॉलंटियरों को भी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें जो है तो अवमानना कर रही है, केंद्र सरकार इसमें जो है तो विराम लगा रही है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जल्दी ही हमारे इस मसले को सुलझाया जाए, अन्यथा हम गुरिल्ला जो है तो जैसे 1962 में हुआ था वैसे भी हम दूसरी देखा जाए तो हम देश के रक्षक हैं, हम एसएसबी के वॉलंटियर देश के रक्षक हैं, रक्षक नहीं। हम चाहते हैं ऐसा कि जो भी इस समस्या का समाधान है वो शांतिपूर्वक हो, तो हम राज्य केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जल्दी ही हमारे मसले को सुलझाएं, और राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार जैसे अंतर्राज्य में समायोजन प्रस्ताव पास करके उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भेजा है, जैसे हम एसएसबी वॉलंटियरों के बारे में जो है तो समायोजन प्रस्ताव पास करके जो है तो होम मिनिस्ट्री को भेजें। खबर में रुक करते हैं कांगड़ा की ओर। चामुंडा माता में 23 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रों को सफल बनाने हेतु जिला कांगड़ा प्रशासन ने चैत्र नवरात्रों को लेकर पुख्ता इंतजामों और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी अपनी कमर कस ली है। गौर है कि इन चैत्र नवरात्रों में इन 3 शक्तिपीठों में देश विदेश से भी श्रद्धालु शीश नवाजने आते हैं और माता का आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुँचते हैं। वाले चैत्र महीने के नवरात्रों के लिए कांगड़ा जिले की पुलिस ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक दिलजीत ठाकुर ने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए जिला कांगड़ा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 प्रसिद्ध शक्ति पीठों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 के करीब पुलिस जवानों सहित होम गार्डों की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना उठानी पड़े। इस महीने के 23 मार्च से जो नवरात्र के मेले शुरू हो रहे हैं उसके दृष्टिगत हमें कांगड़ा जिला में सभी मंदिरों में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कांगड़ा जिला में 3 शक्तिपीठ मंदिर हैं, ज्वाला माता का मंदिर ज्वालामुखी में है और ब्रजेश्वरी माता का मंदिर कांगड़ा में, और चामुंडा माता का मंदिर मुदकेश्वरी धाम चामुंडा में जो है। इन 3 जगह हमारे लगभग 500 पुलिसकर्मी और दूसरे सुरक्षाकर्मी जिनमें होमगार्ड इत्यादि हैं,
वो तैनात रहेंगे। एसपी ने कहा कि यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर जगह गाड़ियों को खड़ा करने के लिए स्थान चिन्हित किए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की पुख्ता रूप से की गई है। इसके दृष्टिगत हमारी जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसमें मैं 3-4 बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो हम यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्किंग स्थल जो है वो चिन्हित हमने सब जगह किए हैं ताकि श्रद्धालु उन्हीं जगहों पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तीनों मंदिरों के प्रत्येक गेट पर मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर पैनी नजर रखी जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि श्रद्धालु अपने साथ कम से कम सामान लाएं और नारियल मंदिर में ना लेके जाएं। दिलजीत ठाकुर ने कहा कि अगर किसी श्रद्धालु को कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो उसकी तुरंत पुलिस को सूचना दे। उन्होंने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि वह पैसेंजर गाड़ियों में ही माता के दर्शन करने के लिए आए, मालवाहक गाड़ियों में ना आए। जिला कांगड़ा पुलिस मालवाहक गाड़ियों को जिला कांगड़ा में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह कानून के विरुद्ध है। के चैनल के लिए धर्मशाला से नरीपजीत निप्पी की रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं दूसरा खाबू यानी रिवर्सर की ओर। मंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत दूसरा खाबू में मनरेगा के अंतर्गत 13 लोगों की दोहरी हाजिरी का मामला सामने आया है। एक ही व्यक्ति की एक ही समय में 2 से अधिक हाजिरियां कहीं ना कहीं धांधली की बू पैदा कर रही है। यह आरोप दूसरा खाबू की जनता ने ही लगाए है और इस पर कुछ अनियमितताएं होने की बात को वीडियो सदर ने भी स्वीकारा है। मंडी जिला के रिवालसर के नजदीक ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के लोगों ने उनकी पंचायत में बीते लगभग 5 वर्षों से हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का बीड़ा उठा लिया है। स्थानीय लोगों की माने तो 15 सितंबर 2007 से लेकर 31 मार्च 2010 तक सेरला खाबू व चेभड़ी दूसरा खाबू वार्ड में मनरेगा व अन्य विकास के कार्यों के लिए एक जॉब कार्ड धारक की ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा एक ही तारीख की कई हाजिरियां लगाई गई है। स्थानीय पंचायत के नागरिक शेर सिंह जो मनरेगा के तहत काम भी कर रहे हैं ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेज फर्जी हैं, जबकि इस हाजिरी प्रकरण में धांधली की बू आ रही है। मैंने आरटीआई ली तो उसमें सच्चाई का पता लगा और पूरा रिकॉर्ड लिया तो उसमें हरेक 13 आदमियों की जो है कहीं 2-2 हाजिरियाँ हैं, कभी कहीं 3 हाजिरियाँ हैं। और जो मकान ग्राम पंचायत दूसरा खाबू के भूतपूर्व वार्ड पंच व वर्तमान प्रधान यादव शर्मा को दिए गए हैं, वह जो है रूल के विपरीत हैं क्योंकि यह पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसने अपने ही परिवार के लिए फायदा उठाने के लिए यह मकान दिए हैं। वहीं अन्य मनरेगा मजदूरों का भी यही कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा एक ही व्यक्ति की 2 या 3-3 जगहों पर भी हाजिरी लगाई जाती रही है जो कि सरासर धांधली है। ग्राम सभा 18-19 तारीख को हुई, उसमें जो मेरा लड़का काटा गया और ग्राम सभा जो उस दिन नहीं हुई। प्रधान यादविंद्र शर्मा और सेक्रेटरी दिनेश कुमार ने कहा कि आज ग्राम सभा के अंदर कोई काटा नहीं है, कोई डाला नहीं है। वास 20 तारीख को इन्होंने अपनी मर्जी से काट दिया और जो बीएमसी और डब्ल्यूसी में जो पाया है उन्होंने अपनी मर्जी से पाया है और ग्राम सभा में कोई भी चयन उनका नहीं हुआ है। इन सभी शिकायतों को लेकर मनरेगा मजदूर मंडी जिला उपायुक्त पंचायती राज मंत्री व जिला पुलिस अधीक्षक से भी मिल चुके हैं। वहीं इस मामले पर मंडी सदर बीडीओ भी अपने कर्मचारियों के साथ ग्राम पंचायत दूसरा खाबू में अपनी जांच कर रहे हैं। बीडीओ ने भी माना है कि इस जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं प्राथमिक तौर पर पाई गई हैं, लेकिन मामले की गहन जांच अभी बाकी है। शिकायतें हुई थी पिछले आज 3 शिकायतों के संदर्भ में इंक्वायरी रखी गई थी जिसके लिए मैं स्वयं जो है जांच करने के लिए आया हूं।
अपने कर्मचारियों के साथ, और जांच हमने की है, अनियमितताएं प्राथमिक तौर पर तो पाई गई हैं, लेकिन अभी जो है कुछ और बयान हम चाहेंगे कि इसमें और भी लिए जाएं ताकि डिटेल हो इंक्वायरी और जो भी अनियमितताएं हुई है वो आगे लाई जा सकें। नरेगा मजदूरों ने तुरंत प्रभाव से इस जांच की कार्यवाही को पूरा कर मामले का सच उजागर करने की मांग की है और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग भी की है। केश चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के उस पर ले चलेंगे आपको नया चौक। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। क्या आप अपने घर में रखे भारी भरकम टेबल की वजह से परेशान हो चुके हैं? क्या आपको एक ऐसा टेबल चाहिए जो आपकी जरूरतों के मुताबिक काम करे? और क्या आप एक ऐसा टेबल चाहते हैं जिसे आप कहीं पर भी लेकर जा सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर उठाइए फोन और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर अभी फोन करें। आधुनिक पिकनिक टेबल जो काम करेगा आपकी जरूरतों के मुताबिक। अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं या कहीं आउटिंग करने की सोच रहे हैं तो फिर पिकनिक टेबल आपकी आउटिंग को यादगार बना देगा। पिकनिक टेबल काम करता है आपकी जरूरत के हिसाब से। आप इसे एक टेबल की तरह ही नहीं बल्कि एक डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल या फिर ऑफिस टेबल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप अनचाहे बालों से परेशान हैं? तो टेंशन ना लें, अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आपके मंडी शहर में अब उपलब्ध हो गई है डायोड लेजर की तकनीक, जो उपलब्ध है श्री हरिहर अस्पताल की मंडी शाखा में। अपर लिप, ठोड़ी, कान, चेहरे, गर्दन, कंधे, पीठ, पेट या फिर छाती पर आ गए अनचाहे बालों को क्या आप शर्मिंदगी का कारण समझते हैं? तो चिंता किस बात की, अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आज ही संपर्क करें डॉक्टर अदिति जम्वाल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, श्रीहरिहर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, थनेड़ा बाजार, ऑपोजिट इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अमर उजाला ब्यूरो ने चौक, मंडी जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने नाचन हलके के तहत मां हाटेश्वरी मंदिर परिसर में महिला सशक्तिकरण पर एक शिविर का आयोजन किया। शिविर में महिला शिक्षकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में उपस्थित महिला शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर ने कहा कि समाज के उत्थान में महिलाओं की अहम भूमिका पुरुषों से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने शिविर में उपस्थित महिला शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महिलाएं अच्छे समाज के निर्माण में दूसरी महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। तो इसमें महिला अध्यापकों को संघ के बारे में और इसके अतिरिक्त दूसरे उनको समाज के अंदर जागरूकता लाने के लिए ये शिविर आयोजित किए जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में जिला मंडी में ये शिविर यहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें महिलाओं ने, जो हमारी अध्यापिका हैं, तो उन्होंने अपने यहाँ पर विचार रखे और इस तरह के आयोजन के लिए उन्होंने फेडरेशन से आगे भी आग्रह किया कि इस तरह के शिविर लगने चाहिए ताकि सभी महिलाओं को इसमें
जागरूक किया जाए और जिससे संघ को भी लाभ हो, समाज को भी लाभ हो और बच्चों को भी लाभ हो। उन्होंने महिला शिक्षकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की सलाह देते हुए कहा कि महिलाओं को सरकार ने कई संवैधानिक अधिकार दिए हैं, जिसके प्रति महिलाओं को जागरूक रहकर समय समय पर उनका प्रयोग करना चाहिए। और बात करते हैं रणवीर सिंह की। जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में चल रही लुटेरा फिल्म की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लुटेरा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बीते रोज शूटिंग के दौरान लुटेरे के नायक रणवीर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। नौबत यहां तक आन पड़ी कि घायल लुटेरा यानी रणवीर सिंह को पठानकोट अस्पताल ले जाना पड़ा, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लुटेरा फिल्म कब पूरी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि इस फिल्म की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले इस फिल्म को भारी हिमपात की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन अब जब पर्यटन नगरी में दोबारा से शूटिंग शुरू की गई तो अब शूटिंग के दौरान चोट देते हुए लुटेरा फिल्म के अभिनेता बुरी तरह से घायल हो गए। हालत इतनी गंभीर हो गई है कि उन्हें स्टेशन पर उठाकर एम्बुलेंस तक लाया गया और उसके बाद यूनिट के लोगों द्वारा और स्थानीय लोगों की मदद से रणवीर सिंह को पठानकोट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका अभी उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह की पीठ में भी खासा दर्द हो रहा है। अभी तक घायल होने का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि जनवरी महीने में भारी बर्फबारी के कारण शूटिंग को रोकना पड़ा था और भारी हिमपात की वजह से उनका सेट भी टूट गया था, जिससे उनको लाखों का नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन अब फिर से पर्यटन नगरी डलहौजी में जहां ताज़ा हिमपात हुआ है, वहीं नायक रणवीर सिंह भी घायल हो गए हैं, जिससे एक बार फिर से शूटिंग के रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। उधर रणवीर के चाहने वाले उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बहरहाल बुलेटिन में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे कुल्लू। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kannad, Sundanagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital mein uplabdh hai behtareen doctors ki ek puri team. Dr. M. A. Basit, haddi rog visheshagya. Dr. Richa Basit, bal evam shishu rog visheshagya. Dr. Anil Bajaj, medical specialist. Dr. Sijo John, shalya evam durbin vidhi dwara operation ke visheshagya. साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद सीआर, यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा इत्ते की पथरी के ऑपरेशन, टीएमटी, आईसीयू, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर युवाओं के उत्थान के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा पा रहा है। इसी के चलते युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से युवाओं के उत्थान के लिए मंडल स्तर पर जो युवा मंडल कार्य कर रहे हैं उनके लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
युवा मामले व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के पिछले साल एक योजना के तहत जो जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्र और गांव स्तर का युवक मंडल पर काम कर रहे हैं उनके लिए लोकल बूथ क्लब स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम मेंटर क्लब रखा गया है। मेंटर क्लब अपने आसपास के 25 गांवों में कार्य कर रहे युवा मंडलों का नेतृत्व करेगा जिसके चलते मेंटर क्लब के पदाधिकारियों के लिए कुल्लू देव सदन में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षण में भाग ले रहे पदाधिकारियों ने बताया कि युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर कुल्लू शिमला में आयोजित किया जा रहा है। कुल्लू में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में कुल्लू चंबा धर्मशाला हमीरपुर मंडी किन्नौर से आए मेंटर क्लब के 180 युवा भाग ले रहे हैं जिसमें 25% महिलाएं भाग ले रही है। यहाँ पर चंबा धर्मशाला हमीरपुर कुल्लू जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है और हर ब्लॉक में 2 मेंटर क्लब बनाए गए। ये 5 दिन का ट्रेनिंग है, आज पहला दिन है। माननीय मंडल निदेशक श्री के एच खान साहब आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में और कल से फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे गाँव के अंदर युवाओं के लिए महिलाओं के लिए ग्रामीणों के लिए जो योजनाएं हैं जो भारत सरकार और हमारी प्रांतीय सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी जिसमें हम डीआरडीए के प्रोजेक्ट ऑफिसर डीएफओ फॉरेस्ट से आईपीएच इलेक्शन और एसटीएम साहब को यहाँ पर बुलाया है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को भी बुलाया है जो हमारे युवाओं के और गाँव के विकास से संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाया है अपने डिपार्टमेंट्स की भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में इनको जानकारी देंगे। इसके साथ ही इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी अलग से सेशन चलाए जाएंगे और जिसमें हम इनको लीडरशिप ट्रेनिंग के जो लीडरशिप के क्या टिप्स हैं वो इनको देंगे ताकि ये लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने युवा मंडल और जो आसपास के जो 25 उनका नेतृत्व कर सकते। पदाधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मुख्य केंद्र प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को युवाओं के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा देश की अहम भूमिका को अदा करते हैं। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और युवाओं को संबोधित भी किया। के चैनल के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बीजेपी नेता जवाहर ठाकुर की। बीजेपी नेता जवाहर ठाकुर ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जिसमें सिर्फ जवाहर ठाकुर बीजेपी सरकार की नीतियों का बखान करते हुए नजर नहीं आए बल्कि वार्ता के दौरान जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कौल सिंह ठाकुर पंजाब में चुनाव के बाद बौखला गए हैं। साथ ही जवाहर ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह ठाकुर की आय संपत्ति की जाँच होनी चाहिए क्योंकि पंजाब के परिणामों के बाद उनकी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ी है और आज वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और आज वो बिंदल पे और रविंदर रवि पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो वो 1977 में उनकी क्या पोजीशन थी और आज उन्होंने राजनीति में रहते हुए उन्होंने अपनी कितनी संपत्ति अर्जित की है उस बात का हम उनसे जानना चाहेंगे। उस बात का हम खुलासा चाहते हैं कि उन्होंने कितनी संपत्ति आज तक अर्जित की है और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि पिछली बार वो इस प्रदेश के आईपीएच विभाग के मंत्री रहे हैं हमारे क्षेत्र में दरंग क्षेत्र में एक पुजौंडी नाला की स्कीम है जो 13,63,00,000 की जो योजना बनी थी और उसका भी बिना अनुमति के बिना NOC के उन्होंने उस स्कीम का काम शुरू किया और उसमें खासकर मैं उसमें भी हमको शंका कि उसमें जो करोड़ों रुपए का जो पाइपें खरीदी गई है और उसमें काम जो किए गए जल्दबाजी में काम किए गए हैं उसके भी हम चाहते हैं कि उसके भी जो वो जांच होनी चाहिए और जो संपत्ति आज तक उन्होंने अर्जित की यदि वो डॉक्टर बिंदल जी की और रविंदर रवि जी की CBI जाँच चाहते तो हम भी चाहते हैं कि उनकी भी CBI जाँच हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, परिशर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।